रहीम और बस 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 इस प्रेस क्लब के सामने, इस कराची प्रेस क्लब के सामने कराची से प्यार करने वालों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जियालो, मेरी बहनों भाइयों नौजवान साथियों, हमारे सिंध के ओहदेदार साहबान और नमक मर मिटने वाले हम सब वर्करों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो, जिए मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो। बाबा एक मिनट, अब बस अब बस अब बस। आज हमारे सूबे सिंध में हर जिले हेडक्वार्टर में हमारे पीपुल्स पार्टी के हमदर्दों ने, वर्करों ने, मेंबरों ने, ओहदेदारों ने, अवाम ने इकट्ठे होकर अपने आप को दिखाया है कि सिंध पर कोई हमला अगर किसी ने सोचा भी, इंशाल्लाह टांगे तोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमने बस बस हम ये आपसे बता रहे हैं कि आज अगर हजारों लोग निकले हैं सारी सिंध में, तो सुन लेना मुसीबत आजम, सुन लेना यूटरी खान, सुन लेना इमरान खान, ये हजारों लोग लाखों में भी तब्दील हो सकते हैं। ये इन सिंध ने ये कर दिखाया है कि जब कोई आमिर भी था तो सीना सुपर हो गए, कोई अपने घुमंड में सिंध के पानी पर हमला कर रहा था तो उसको भी चने चबवा दिए गए। ये जब निकलते हैं सिंध वाले तो फिर गिनती के वो जो डिग्री का नाच भी नचा देते हैं। और मैं आपको बताता हूं इमरान खान, अपनी जबान को लगाम दो, धमकियां ना दो सिंध को, हमले की बातें ना करो, कब्जे की बातें मत करो, नहीं तो हम इस्लामाबाद के भी रास्ते जानते हैं। दोस्तों, मेरे बहनों भाइयों, इस हुकूमत ने शुरू दिन से तुम पर हमला किया है। शहीद गनी बता गया कि क्या 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 हुआ, अपनी नाकामियां हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुमने टैक्स खरीद नहीं किया, अगर तुम टैक्स जमा न कर से, तो तेरी नाकामी है ना। अगर सिंध को किसी के हवाले करने की बात कर रहे हो, तो फिर तुम अपने आप को भी किसी और के हवाले कर दो, क्योंकि तुम्हारी भी जरूरत नहीं रही इस मुल्क को। अबे तुमने रोजगार देने की तो छोड़ो, तुम तो रोजगार निकालते रहे हो, हमसे पैसा बटोर के, हम पर ये जुल्म करके,
हम पर महंगाई मुसलत करके, हमारा पेट्रोल महंगा करके तुम अपने कर्जे उतारे हो, तेरा कोई काम नहीं बना। ये लोगों के पैसे हैं जिसने कर्जे उतारे हैं अगर पाकिस्तान के, तो ये लोगों ने पैसे दिए हैं, लोगों ने अपने जुल्म बर्दाश्त करने के भी पाकिस्तान को बचाने की बात करते हैं। ये तेरी नाकामी है और तू कल भी मान गया, कल भी तू मान गया कि मैं तजुर्बा नहीं था इसलिए हमसे गलतियां हुई हैं। तुम्हारे वजीर खारजा ने मान लिया के गलतियां हुई हैं, तुमने काबीना में मान लिया के गलतियां हुई हैं। अरे गलतियां हुई हैं तो फिर गलती करने वाले को हम बर्दाश्त क्यों करें? तुमने तो एक गलती वो भी की थी जब जनरल मुशर्रफ के तुम चमचे बन गए थे, तुमने तो गलती वो भी की थी जब तुमने पार्लियामेंट को गाली दी थी कि यहां दो नंबरी रहते हैं। तुम तो गलतियों पर गलतियां करते रहते हो और गलतियों पे गलतियां अगर कर रहे हो तो फिर हमें, हमारा कसूर नहीं है, ये तेरा अपना कसूर है। और तू अपने गरेबान में झांक, हमें धौंस और दांतली दिलाएगा, हमें अगर धौंस और दांतली की, हमारे ऊपर रोब करने की कोशिश की तो फिर तुम सिंध को जानते नहीं हो। अब सुनो, एमक्यूम क्या चाहती है? एमक्यूम आईन को तोड़ना चाहती है। पाकिस्तान के आईन में, पाकिस्तान के आईन में चार सूबे हैं बस, नहीं बना सके ना साउथ पंजाब भी, नहीं बन सका ना हजारा भी। तो पाकिस्तान के सूबे सिंध, सिंध को हम पाकिस्तान की मां कहते हैं, मां, और ये मां पर हमला कर रहे हैं। ये मां पे हमला करने वाले कहते हैं, मैं पूछता हूं आज उन्होंने क्या कहा है? कहा है कि हमने कराची को 6 डिस्ट्रिक्ट बना के कराची तोड़ा है, इसलिए सिंध को क्यों ना तोड़े? और तुम्हें शर्म नहीं आती जब मुशर्रफ ने कराची के 18 टुकड़े कर दिए थे, 18 टुकड़े, और उनके देखा देखी, उनके देखा देखी रात के अंधेरे में अचानक पता चला कि हम भी जीत गए। रात के अंधेरे में उनको पता चला, अरे हम भी जीत गए। अब उनका भी दिमाग खराब हुआ है, अब दिमाग अपना दुरुस्त करो, दुरुस्त करो दिमाग, क्योंकि अवाम का गैज व गजब, अवाम का गैज व गजब के सामने न जनरल ज़िया बच सका, न मुशर्रफ बच सका, न कोई और हुकूमत बच सकी। इसलिए इज्जत करो, पाकिस्तान पार्लियामानी जमहूरियत है, हर सूबे का हक है, हर सूबे की खुद मुख्तियारी है। और तुम आए हो कि 18 तरमीम को खत्म करें, 18 तरमीम को खत्म करें। वन यूनिट के खिलाफ इस सिंध ने जो तहरीक चलाई थी, वो तुम तो उस वक्त शायद पैदा भी नहीं हुए थे, या फिर क्रिकेट के मैदान में कहीं 11वें नंबर पे खेल रहे थे। तो दोस्तों, दोस्तों लंबी तकरीरें इसी से जाहिर होती है कि रोड भरा हुआ है। एक दो का एक दिन के काल पर अगर इतने लोग निकल आते हैं तो तुझे पता चल ही गया कि लोग तुझसे कितनी नफरत करते हैं। ये और मैं सिर्फ यही कह सकता हूं आखिर में, आखिर में मैं यही कहूंगा कि मुझे बेरोजगारी नहीं चाहिए,
मुझे महंगाई नहीं चाहिए, मुझे पेट्रोल सस्ता चाहिए, मुझे सिंध का हिस्सा चाहिए, मुझे एनएफसी आवाज चाहिए, मुझे अटामी तरमीम चाहिए और मुझे सिंध की वादत चाहिए। ये हमारी बातें हैं और जिसके लिए तुम्हें आज हमने ट्रेलर दिखा दिया, ट्रेलर दिखा दिया, ट्रेलर दिखा दिया। लेकिन अभी क्या कहते हैं, फिल्म तो अभी शुरू हुई है और पार्टी अभी शुरू की है हमने। ये तीन महीने तूने आराम किया होगा, बड़ी बढ़ते मारी, बड़े यूटर लिए, बड़ी बड़ी बातें करते रहे हो, हासिल कुछ नहीं। तेरा हमला है तो आवाम पर है। अगर तरक्की के लिए पैसे नहीं दोगे तो फिर ये तेरे पैसे नहीं है, ये हमारे पैसे हैं, हम पर खर्च होने चाहिए। नहीं ऐसा काटो, रखो अपने लिए थोड़ा, सुबह को ज्यादा दो, क्योंकि यही आईन कहता है, यही एनएफसी कहता है। तो अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया रे सिंध वासियों, सबका शुक्रिया सिंध वासियों। मैं सिंध के सारे जिलों का शुक्रगुजार हूं। इसी बिलावल भुट्टो साहब को वो मंजिल दिलाएंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर बनकर हमारे मसालों को हल करे। बाकी अब ये कह दो भले, जहां मर्जी ये कह दो, मुसीबत आजम ना मंजूर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ लाए, हमारा हौसला बढ़ा, मेरे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हौसला बढ़ा। इंशाल्लाह ये मंजिलें हम पार करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त